हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आर्यन। तो गाइस आज हम करने वाला है कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि गाइस अगर आपने स्किप कर दिया तो गाइस आप फिर नहीं बना सकते। तो गाइस इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड और PNG यूज हुए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ गाइस फॉलो कर लो। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और गाइस वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलना। तो गाइस चलिए बिना देरी चलो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर हमने अपने बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में ओपन कर लिया है। देन गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे और रिसाइज कर लेंगे हम अपने बैकग्राउंड को। तो गाइस इसको सिंपली हम 2200 रख लेते हैं, ठीक है गाइज। और इसके बाद से गाइज हम जाएंगे ऐड फोटो पे। देन गाइज एक PNG लेंगे, लेंस फ्लेयर। तो हम सिंपली गाइज इसको ऐड कर लेते हैं और सिंपली इसको हम अपने फुल बैकग्राउंड का साइज कर देंगे। तो गाइज आपको भी कुछ इस तरह का कर लेना है। उसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को गाइज आपको स्क्रीन रख देना है। तो गाइज आपके बैकग्राउंड में एक अलग से ही लाइट आ जाएगी। तो उसके बाद से गाइज इसको हम डन कर लेंगे यहाँ से अब। और गाइज अब सिंपली हम अपने ड्रॉ टूल में चलेंगे यहाँ से। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने ड्रॉ टूल को ओपन कर लिया है। तो सिंपली हम लेयर्स पर जाएंगे और गाइज यहाँ से हम ऐड फोटो पर जाएंगे और एक PNG लेंगे। तो गाइज इस PNG को आपने भी ऐड कर लेना है। तो गाइज इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से गाइज इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा इसे बड़ा कर लेंगे। और गाइज इसको बड़ा करके हम सिंपली इसको बीच में एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए गाइज आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। और गाइज उसके बाद हम सिंपली इसको डन कर लेंगे। फिर गाइज इसके ब्लेंडिंग मोड को हम जो है उसको हम XOR कर देंगे। गाइज यहाँ पर XOR करने के बाद से हम दोनों लेयर्स को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से गाइज हम एम्प्टी लेयर एक बनाएंगे और सिंपली गाइज इसमें हम अपने मॉडल को ऐड कर लेंगे। तो गाइज सिंपली यहाँ पर हम ऐड फोटो पर जाते हैं और अपने मॉडल को फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये रही, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। आपको कोई सा भी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा पहले। और उसके बाद इसको हम डन करते हैं और सिंपली मॉडल वाली लेयर को हम नीचे कर देंगे। तो गाइज हम दोबारा से ट्रांसफॉर्म कर देंगे अपने मॉडल को, दोबारा से थोड़ा हल्का नीचे ले आते हैं हम बड़ा करके, ताकि थोड़ा सही लगे। तो देखिए हमारा हो गया। तो गाइज इसको हम डन करेंगे और गाइज यहाँ से हमारे ड्रॉ टूल का काम हो चुका है। तो हम सिंपली डन करेंगे यहाँ से। और गाइज हम यहाँ पर ऐड फोटो पर जाएंगे और यहाँ पर एक टेक्स्ट PNG मिलेगी आपको, उसको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद से गाइज हमको टेक्स्ट PNG को हमें बैकग्राउंड का कलर कहीं करना है। तो गाइज सिंपली हम चलेंगे अब यहाँ से अपने FX में। तो यहाँ से हम FX में जाते हैं और इसके कलर्स में जाकर इसको हम निगेटिव कर देंगे। गाइज निगेटिव करने के बाद से ये ऑटोमेटिक वाइट हो जाएगा। और उसके बाद से एडजस्ट में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को आपको 50% रख लेना है। तो ये और सही हो जाएगा, ठीक है। और गाइज अब इसको ओपेसिटी को हम कम करके 70% रख लेंगे। तो गाइज ये हो चुका है। तो सिंपली इसको हम डन करेंगे। तो गाइज यहाँ से हम डन करने के बाद सिंपली अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे। और गाइज ड्रॉ टूल में जाने के बाद से गाइज अपने फ़ोटो को सेव कर लेना है। और गाइज हम फिर लाइट रूम में चलेंगे। तो गाइज सबसे ज़रूरी है इसमें लाइट रूम। तो गाइज इसमें ज़रा भी स्किप मत करना। तो गाइज सिंपली हम लाइट्स पर जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट को हम 70% इंक्रीज़ करेंगे, 17%। और हाईलाइट्स को हम माइनस के 14% रख लेते हैं और शैडो को 20% इंक्रीज़। फिर गाइज वाइटीज को आपको कम कर देना है -14, फिर -14 ब्लैक ही कर देना है। उसके बाद से गाइज आपको कलर्स पे जाना है और इसमें आपको टेम्परेचर -8 और टिंट को रखना है 6% और वाइब्रेंस आप 15-16 रख सकते हो और सेचुरेशन -6 या 8 के आसपास रख लेना है। और मिक्स टूल में जाना है और येल्लो से ब्लू कलर तक आपको सेचुरेशन 0 करते जाना है। तो देखिए हम इसका सेचुरेशन 0 कर देते हैं या -100 बोल लो, ठीक है। तो इसका भी है -100 और इस कलर का भी -100 कर देंगे और ब्लू वाले का भी हम -100 कर देते हैं। तो देखिए अब गाइज हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से हमारी फ़ोटो लग रही है, एकदम अच्छी लग रही है एकदम। तो देखिए आप इसे और थोड़ा सा कम भी कर सकते हो। तो हम सिंपली यहाँ से इसको डन करेंगे और उसके बाद जाएंगे गाइज हम इफेक्ट में।
यहाँ पर क्लियरिटी को हम 20% रखेंगे और डीएच को आपको लिटिल बिट 2 या 3% रखना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा रखोगे तो गाइस आपकी फ़ोटो थोड़ी डार्क हो जाएगी, तो आप देख लेना आपको हिसाब को अपनी फ़ोटो पर कैसी लगती है। तो उसके बाद से गाइस हम नीचे जाएंगे विगनेट पे, यहाँ पर हम इसको रखते हैं 15 या 16 रख लो। और गाइस नीचे जाएंगे फिर हम इसमें गाइस नॉइस रिडक्शन 20% और शार्पनिंग हम 30% रख लेंगे। तो गाइस देखिए हमारी फ़ोटो फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है, बिफोर एंड आफ्टर अभी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना गाइस कि आपको वीडियो कैसी लगी, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है।